इस रेड कलर का बटन प्रेस करके सब्सक्राइब करें विराजनाथ चैनल को एंड बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विराजनाथ अपने चैनल के साथ। चलिए शुरू करते हैं मुद्दे के बाद। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ इंडियन एयरफोर्स में जो एयरमैन होते हैं उनके सैलरी क्या होती है, उनके प्रमोशन कैसे होते हैं, ठीक है, कितने साल सर्व करने के बाद कौन सी रैंक मिलता है और सारा कुछ इस वीडियो में बात करूँगा, इसलिए वीडियो को पूरा देखना, ठीक है। तो बेसिकली जब आप एयरफोर्स में ज्वाइन करते हो ऐसे एयरमैन, तो आप 12th के बाद, ठीक है, ग्रुप एक्स या ग्रुप वाई में ज्वाइन करते हो, ठीक है। तो आप ग्रुप एक्स में ज्वाइन करो या ग्रुप वाई में ज्वाइन करो, ठीक है, जो आपको पहले सबसे पहले जो रैंक मिलता है, ठीक है, तो वो होता है एयरक्राफ्ट्समैन, ठीक है। तो उसमें जो बेसिक पे होता है दोस्तों वो होता है 21,700, ठीक है। और ये जो पे लेवल मैट्रिक्स होता है वो 3 पे लेवल मैट्रिक्स के अंदर आता है, ठीक है। तो बेसिकली ये बेसिक पे है, ठीक है। तो आप एज्यूम कर सकते हो इसका पूरा पूरा जो डबल होता है, ठीक है, 42,000-43,400 के करीब आपका जो सैलरी होता है वो बन जाता है, ठीक है। क्योंकि देखो ये जो ये है बेसिक पे है, ठीक है। और उसके बाद आपका DRN DA लगेगा, TA लगेगा, ठीक है, किट मेंटेनेंस और भी बहुत कुछ लगेगा। उसके बाद आपका पूरा पूरा डबल हो जाएगा ये वाला, ठीक है। उसके बाद जो आपका 43,000 हो गया ना, तो उसमें से आपको मिलेगा 33,000, मतलब मान सकते हो 33,000 के करीब मिलेगा, जो 10,000 प्रोविडेंट फंड वगैरह वगैरह बहुत कुछ के लिए काट के रखता है, जो आपको बाद में मिल जाता है, ठीक है। तो एयरक्राफ्ट्समैन को आपको मिलता है 33,000 समथिंग, ठीक है। तो ये हो गया आपका सैलरी, इन हैंड सैलरी आपको 33,000 मिलेगा, ठीक है। और बेसिकली आपका जो सैलरी होगा वो 43,400 के करीब होगा, मतलब 42,000-43,000, ठीक है। उसके बाद आप एयरक्राफ्ट्समैन ऐसे ज्वाइन कर लेते हो, ठीक है। उसके बाद आपके 5 साल के अंदर अंदर आप लीडिंग एयरक्राफ्ट्समैन बन जाते हो, ठीक है। ये एक्चुअली रैंक का इंक्रीमेंट है, ठीक है, रैंक इंप्रूव हो जाता है आपको, ठीक है, आपका कैसे आप परफॉर्म करते हो आपका काम देख के, ठीक है। 5 साल के अंदर अंदर आप बन जाते हो, ठीक है। उसके बाद जब आप लीडिंग एयरक्राफ्टमैन के बाद कॉर्पोरल बनते हो, ठीक है, जो उसमें आपका बेसिक पे होता है 25,500, जो जिसमें आपका सैलरी रहेगा पूरा डबल हो जाएगा, ठीक है। और डबल होके थोड़ा बहुत काट के आपको मिल जाता है, जैसे इसमें डबल हुआ था, ठीक है, डबल होके 10,000 के करीब काट के आपको 33,000 मिल रहा था, ठीक है। तो ऐसे होता है, ठीक है। उसके बाद लीडिंग एयरक्राफ्टमैन के बाद कॉर्पोरल आप बनते हो 5 साल के बाद, ठीक है, 5 साल सर्विस के बाद आप बनते हो कॉर्पोरल, ठीक है। तो उसके बाद दोस्तों इधर जितने भी मैंने लिखा है उसके पूरा डबल डबल आपको सैलरी मिलता है, ठीक है। तो आप खुद ही देख सकते हो, मान लो आप वारंट ऑफिसर बन गए तो आपको 44,900 मिल रहा है, तो उसका डबल कर दोगे करीब करीब 90,000 हो गया, जिसमें आपको इन हैंड 70 के करीब मिल जाता है वारंट ऑफिसर बनने के बाद, ठीक है। उसके बाद देखो दोस्तों कॉर्पोरल जो होते हैं, ठीक है, कॉर्पोरल होने के बाद जब आप 13 साल 6 महीना हो जाता है, ठीक है, तो आप सर्जन बन जाते हो, ठीक है। सर्जन बनने के बाद दोस्तों आप 17 साल जब कंप्लीट कर लेते हो तो जूनियर वारंट ऑफिसर बन जाते हो, ठीक है। उसके बाद जूनियर वारंट ऑफिसर से मतलब आपका जब 23 साल हो जाता है, ठीक है, तो आप वारंट ऑफिसर बन जाते हो, ठीक है। तो 23 साल होने के बाद वारंट ऑफिसर बनने के बाद जब आपका 28 साल ऑफ सर्विंग हो गया, ठीक है, तो आप मास्टर वारंट ऑफिसर बन जाते हो। ये मतलब आपका प्रमोशन होता रहेगा कुछ दिनों बाद, मतलब इतना साल या इतना मंथ बाद आपका प्रमोशन होता रहेगा। और आप खुद से भी प्रमोशन लेने के लिए मतलब एग्ज़ाम दे सकते हो, जैसे बहुत सारे एयरमैन होते हैं कि मतलब एयरक्राफ्टमैन ज्वाइन के लिए उसके बाद डिस्टेंस से बीटेक या मान लो बीए या फिर बीएससी या फिर बीकॉम कुछ भी कर लिया, ठीक है। उसके बाद आप लोग मतलब क्या करते हैं, वो लोग एफकेट एग्ज़ाम दे देते हैं, ठीक है। एफकेट एग्ज़ाम देने के बाद मतलब SSB के लिए जाते हो और उधर सिलेक्ट हो जाते हो और डायरेक्ट ऑफिसर बन जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे भी होता है, ठीक है। तो दोस्तों यही मतलब आपका सैलरी जो पैकेज वो रहेगा, देख लेना दोस्तों। ये मतलब मास्टर वारंट ऑफिसर मतलब इधर 47,600 है, उसका डबल कर लो जितना भी होता है करीब करीब 95,000, ठीक है। उसके बाद आपको 75 या 80 के करीब इन हैंड मिल जाता है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपको MSP भी मिलता है, जो होता है 5,200 रुपये, ठीक है। और ड्यूरिंग ट्रेनिंग टाइम, ठीक है, ट्रेनिंग टाइम आपको 9,000-14,000 के करीब मिलेगा, ठीक है। और जो मेरा सीनियर थे, जो मेरा दोस्त अभी एयरफोर्स में एज एयरमैन है, उनके टाइम में मिलता था 6,000, ठीक है। और जो ट्रेनिंग होता था दोस्तों उस टाइम वो होता था 1 साल का, लेकिन अब क्या होता है, अब 2 साल के करीब ट्रेनिंग होता है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, मतलब आप कौन सी
ट्रेड में जा रहे हो, ठीक है, जैसे बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं ना इंडियन एयरफोर्स में, ठीक है, तो आप कौन से वो पोस्ट पे जा रहे हो इसके ऊपर बेस करके आपका जो ट्रेनिंग पीरियड होता है, ठीक है, कभी कभी 18 महीने का भी होता है, कभी कभी 2 साल का भी होता है, और कभी कभी 2.5 साल का भी, 2.5 ईयर्स का भी होता है, ठीक है। ये डिपेंड करता है कि कौन सी पोस्ट में आप सिलेक्ट हुए हो, ठीक है। उसके बाद दोस्तों, जैसे मेरा जो जो सीनियर थे, मेरे जो दोस्त थे, मतलब वो अभी एयरफोर्स में एयरमैन है, ठीक है, तो उनको मतलब 1 साल का ट्रेनिंग हुआ था उनका, तो उनको जब ट्रेनिंग के टाइम 6,000 के करीब मिल रहा था, ठीक है, और 1 साल के बाद दोस्तों उनको इन हैंड 2 लाख के करीब मिला था, मतलब इधर देख सकते हो आप 2 लाख के करीब उनको मिला था। वो कैसे मिलता है देखो दोस्तों, इनका जो सैलरी होता है दोस्तों वो करीब करीब 20,000 के करीब था तब, ठीक है, तो करीब करीब 20,000 के करीब था, ठीक है, तो उन इन हैंड मिल रहा था उनको 6,000, तो 14,000 रुपये बच रहा था उनको, ठीक है, तो वो उनकी बैंक की मतलब बैंक जो है उनको अकाउंट में जमा हो रहा था, ठीक है, और एक साल में 12 महीने में 12 × 14 कर लो कितना होता है, जितना भी होता है, ठीक है, लाइक समथिंग 1,70,000 के करीब बनता है, ठीक है, उसमें उसके ऊपर आपका मतलब इंटरेस्ट वगैरह जोड़ के उनको 2 लाख के करीब मिल रहा था, ठीक है। और अब क्या होता है, जैसे आप देख सकते हो 33,000 के करीब सैलरी है, ठीक है, और इन हैंड मिल रहा है आपका 9 से 14,000 के बीच में, ठीक है, तो मान लो 10,000 मिल रहा है, तो 30,000 जो है वो आपकी बैंकियों के अकाउंट में जमा हो रहा है, जो आपका मान लो 2 साल का मतलब ट्रेनिंग हो रहा है, ठीक है, तो 24, तो इसको मल्टीप्लाई कर लो, हर महीने 20,000 रुपये बच रहा है, ठीक है, और उसमें 24 से गुना कर दो कितना होता है, 4.5 लाख के करीब, उसके ज़्यादा इंटरेस्ट वगैरह मिला के 4-5 लाख, मतलब आपको 2 साल के ट्रेनिंग के बाद आ जाता है, क्योंकि वो जो पैसा है दोस्तों वो आपको जमा हो रहा है अकाउंट में, अभी ट्रेनिंग के टाइम नहीं मिलता, वो बाद में मिलता है, ठीक है। और हमेशा दोस्तों ग्रुप वाई का जो सैलरी होता है, ठीक है, तो 6-7 हज़ार ग्रुप एक्स से कम होता है, क्योंकि ग्रुप एक्स जो होता है दोस्तों वो मतलब जो टेक्निकल बेस्ड होता है, ठीक है, जैसे मान लो इधर आपका सैलरी ग्रुप एक्स के लिए दोस्तों, जैसे एज ए एयरक्राफ्ट मैन आप ज्वाइन करते हो, तो ग्रुप एक्स के लिए आपका सैलरी रहता है 33,000 के करीब, और ग्रुप वाई का सैलरी होता है 27,000 के करीब, ठीक है, जैसे मान लो इधर डबल कर लिया, ठीक है, उसके डबल के लिए 42 हो गया, ठीक है, 43 हो गया, तो 10,000 कमा के ग्रुप एक्स का हो गया 33,000, लेकिन ग्रुप वाई का थोड़ा और भी कम है क्या, क्योंकि ग्रुप वाई टेक्निकल बेस्ड नहीं है दोस्तों, तो मतलब टेक्निकल ज्वाइन करने का ज़्यादा फ़ायदा है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों यही आपको बताना था एयरफोर्स एयरमैन के सैलरी पैकेज प्रमोशन के बारे में, ठीक है। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कर देना, और पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो पर, थैंक यू।